हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, यक्का का प्लांट है। इसकी केयर शेयर करने वाली हूँ कि यक्का प्लांट की देखभाल कैसे करें। अगर आप लोगों को प्लांट वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये प्लांट वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे सारे प्लांट वीडियोज़ की जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। मैंने प्लांट से रिलेटेड हर तरह की जानकारी शेयर की हुई है यूट्यूब पर। आप लोग चाहें तो सर्च कर लें यूट्यूब में गार्डनिंग विद गीत कुमार, सारे प्लांट वीडियोस मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे सारे मेरे प्लांट वीडियोस। मैंने हर तरह की वीडियो शेयर की हुई है प्लांट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये है यक्का का प्लांट। इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं और इसकी ग्रोथ जो होती है वो गर्मियों में होती है खास तौर से। ये एक ऐसा प्लांट है कि ये आप आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं, इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडोर ग्रो कर रहे हैं आप, तो ध्यान रखें कि इसे सुबह की हल्की 1 से 2 घंटे की धूप ज़रूर दिखा दिया करें, महीने में 2 से 4 बार। और इस प्लांट की ख़ास बात मैं बताऊं आप लोगों को, ये प्लांट बहुत ही ख़ास है। ये प्लांट इसलिए खास बहुत है क्योंकि ये नासा की स्टडी में इसे वन ऑफ द टॉप रेटेड एयर क्लीनिंग प्लांट में से एक प्लांट डिक्लेयर किया गया है। ये एयर को क्लीन करने वाले टॉप रेटेड प्लांट में से एक है फ्रेंड्स। हवा को साफ करने वाले प्लांट्स होते हैं, तो इस तरह भी ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए घर में रखने के लिए, तो घर में रखे जा सकते हैं। दूसरी बात मैं बताऊँ, इस प्लांट को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और इस प्लांट की मिट्टी जब सूखने लगे तभी इसमें पानी डालें। बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही स्लो ग्रोअर है, बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ होती है फ्रेंड्स इन प्लांट्स की। और ऐसे प्लांट्स जो होते हैं स्लो ग्रोअर, उनको खाद की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। तो इन प्लांट्स को खाद कैसे, मैं बताऊं कि खाद कितनी बार डालें, तो खाद इन प्लांट्स में साल में आप अगर 1 से 2 बार भी डालते हैं तो भी इन प्लांट्स के लिए सफिशियंट है। ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। फिर बताऊं कि इसकी प्रोपोगेशन कैसे होती है, ये प्लांट को आप एक से बहुत सारे प्लांट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इन प्लांट्स के रूट्स में फ्रेंड्स बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकल आते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स खुद ही निकल आते हैं। तो आप बरसात के सीज़न में, रेनी सीज़न में उन प्लांट्स को इनमें से डिवाइड करके अलग बड़े आराम से किसी शार्प नाइफ से या किसी भी कटर से, आप शार्प कटर से इसको काट के अलग करके बड़े आराम से धीरे धीरे निकाल कर और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, जल्दी मरने वाले प्लांट नहीं होते हैं। इन प्लांट्स की लाइफ साइकिल 5 से 7 साल की होती है। वैसे तो ये प्लांट, इसका जो रूट होता है प्लांट का, वो 100 साल तक भी फ्रेंड्स मरता नहीं है। तो इसलिए भी ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा प्लांट है घर में रखने के लिए। और इसकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है फ्रेंड्स। ये देखिए, एयर प्यूरीफायर है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो ये जो प्लांट है, इसमें खाद मैंने कहा कि 1 से 2 बार डालें। सनलाइट के लिए मैंने बता दिया फ्रेंड्स कि आप सुबह अगर इंडोर आपने रखा है तो 1 से 2 घंटे की धूप, कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप इसे हल्की धूप ज़रूर दिखा दिया करें। वैसे ये आउटडोर भी ग्रो हो सकता है। जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वो आउटडोर भी बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। लेकिन अगर आप गमले में अगर आपने ग्रो किया है प्लांट को, तो इसे कड़ी धूप से बचाएं, क्योंकि कड़ी धूप में जो पॉट में ग्रो जो प्लांट किए जाते हैं यक्का के, वो बहुत जल्दी ही उसके पत्ते जो हो ब्राउन होने लगते हैं, टिप्स ब्राउन होने लगते हैं धूप की वजह से। और पानी अगर कम दिया है आपने तो भी इसके टिप्स ब्राउन होने लगते हैं। ओवर वाटरिंग से बचें, इस प्लांट को हमेशा वेल ड्रेन पॉट में लगाएं और इसे बहुत अच्छा पॉटिंग मिक्स बनाएं जिसमें रेत मिला दें, ताकि इसमें ज़्यादा देर तक पानी ना रुके। पानी इस प्लांट को तभी दें जब इसे रिक्वायरमेंट हो, मिट्टी सूखने लगे तभी इस प्लांट में वाटरिंग करें फ्रेंड्स। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये देखिए, एयर प्यूरीफायर तो है ही। तो इस प्लांट को आप लोग भी लगाएं अपने घरों में, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। गर्मियों में ही इसकी ग्रोथ होती है, विंटर्स में ये अपनी ग्रोथ रोक सा देता है। विंटर्स में ध्यान रखें फ्रेंड्स कि, मैं इस प्लांट के लिए ही नहीं सारे प्लांट्स के लिए कह रही हूँ, सर्दियों में आप
सारे ही पौधों में पानी अगर एक बार आपने अच्छे से डाल दिया है तो पानी तब तक उस प्लांट में दोबारा ना डालें जब तक उसकी मिट्टी सूख ना जाए, क्योंकि सर्दियों में जो पॉट में जो मिट्टी होती है पानी डालने के बाद वो काफ़ी दिनों तक वो मॉइस्ट रहती है, सूखती नहीं है, जिससे रूट रॉट का जो चांसेस होता है बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, तो प्लांट मर सकते हैं। इसीलिए सर्दियों में पानी सारे ही प्लांट में कम डालें, ज़्यादा कभी भी ना डालें। तो ये कुछ चीज़ें थी जिस पे ध्यान देने लायक ये बातें थी फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो प्लांट वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे इस प्लांट वीडियो को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, टिल देन बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।